बात याद रखना, अपनी जिंदगी में कभी अपने भाई को नाराज मत करना, कभी खपा मत करना। दुनिया नाराज हो जाए, भाई नहीं होना चाहिए नाराज, क्योंकि इतिहास की घटनाएं दोहरा रहा होगा। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट आपको मालूम है क्या हुआ? मालूम? बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, विध्वंस हुआ उसका। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन में नाराजगी आई, रिजल्ट आपको मालूम है क्या आया है? मालूम है ना, ये भाई भाई की लड़ाई है। ध्यान रखना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी लड़े, अखबारों में रिजल्ट आपने पढ़ लिया है। दो भाइयों के सम्मान खत्म हो गया इस देश से। मैं तो ये सोचता हूं कि जिस दिन मैं बंबई गया, तो उस दिन किसी से मिलूं या ना मिलूं, इन दो भाइयों से जरूर मिलूंगा। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से जरूर मिलूंगा। मेरी ख्वाहिश है इनसे मिलने की, और मैं इनसे जाकर के पूछूंगा कि जरा ये तो बताओ मेरे भाइयों, तुम दोनों आपस में लड़े किस वजह से? इतनी दौलत धीरू भाई अंबानी ने कमा कर तुम्हें दी है, आने वाली सात पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो धन की कमी पड़ने वाली नहीं है। अंबानी बंधुओं के पास इतना पैसा है कि वो एक नहीं दूसरी बंबई बना करके खड़ी कर सकते हैं। इतनी दौलत तुम्हारे पास है, लेकिन जरा ये तो बताओ, कोकिला बहन में रहते हुए, मां के रहते हुए, तुम दो भाई पैसों के लिए इतना लड़े, इतना लड़े। अरे 100 करोड़ इधर हो जाते उधर हो जाते क्या फर्क पड़ता मेरे भाई? अरे थोड़े बहुत पैसे टूट जाते तो टूट जाते, अरे पैसे टूटे तो टूटे, तो भाई काहे को टूट गए हो? आने वाली पीढ़ियां भी बैठ कर खाएं तो पैसों की कमी नहीं होगी। फिर भी चंद मिट्टी के ठीकरों के लिए, जरजोरू जमीन के लिए, भाई भाई से खून खून का प्यासा होता है, खून खून से नफरत करता है। आपको याद है कभी बाहुबली को नाराज किया था भरत ने, तो क्या रिजल्ट महापुरुषों के घर का आया था? एक बात याद रखिए, सबको नाराज करना भाई को मत करना। मैं अंबानी बंधुओं से पूछना चाहता हूं, पहले मेरा देश का बच्चा ये कहता था कि हम भी रिलायंस बंधुओं की तरह पैसा कमाएंगे। एक बच्चे के जज्बात होते थे, हम भी ऐसी दौलत कमाएंगे, हम भी अनिल अंबानी बनेंगे, हम भी मुकेश अंबानी बनेंगे। लेकिन आज जब से ये दो भाई लड़े हैं और अखबारों में जब छा गए महीनों, तब से मेरे देश का बच्चा कहता है हम पैसा तो अनिल और मुकेश की तरह कमाएंगे, लेकिन उनके जैसे आपस में लड़ेंगे नहीं। आपने अपना बहुमान खो दिया। एक बात याद रखना, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ता, अपनी ही खानदान तबाह हुआ करती है। जब किसी आंगन में दीवार खड़ी होती है दो भाइयों के बीच, तो अजमेर वालों ध्यान रखो, अपना ही आंगन छोटा होता है, पड़ोसियों का कुछ नहीं बिगड़ा करता है। ध्यान रखिए, दो भाई तो एक दूसरे को जान देने के लिए होना चाहिए। एक ही माँ के खून है, एक ही पिता का रक्त है। ये रक्तपात कैसा होता है घर परिवारों में? महिलाओं से मेरा निवेदन, यदि आपके घर में दो भाई लड़ते हैं तो बहू रानी वही होती है जो दोनों को प्रेम करना सिखा दिया करती है। ध्यान रखिए, मान्यवर मत लड़ाइए भाइयों को आपस। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।